गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और अभी बज गए 8:30 इन द मॉर्निंग और आज संडे है। संडे हमारे यहाँ पे क्लास वगैरह होती नहीं है, आज थोड़ी बहुत पढ़ाई करेंगे और वीडियो बनाएंगे और आपको दिखाएंगे हम क्या कर रहे हैं पूरे दिन में, और आप देखना। और गाइस, इससे पहले की जो मैंने वीडियो बनाई थी उसमें आप लोगों ने बहुत सपोर्ट और प्यार दिया है, उसके लिए दिल से थैंक यू। और आगे सपोर्ट करते रहना तो हम वीडियो बनाते रहेंगे। आज है मे ऑफ 9th और आज मदर्स डे है, मेरी तरफ से आप सबको हैप्पी मदर्स डे। ढाई घंटे की पढ़ाई हो गई है और अभी यहाँ पे बजे हैं 10:30। आज मदर्स डे है इसलिए मैं मेरी मम्मी के लिए कुछ बोलना चाहता हूँ। अभी 2 साल हो गए हैं कि मैं मेरी मम्मी से नहीं मिल पाया हूँ, क्योंकि ये पेंडेमिक का टाइम ही ऐसा है कि फ्लाइट वगैरह सब बंद है, तो जाना है, मिलना है, पर मिल नहीं सकते क्योंकि फ्लाइट वगैरह सब बंद है। दोस्तों, पहले मम्मी खाना बना के खिलाती थी, तब हम ऐसे नाटक करते थे कि ये चीज़ मेरे को पसंद नहीं है, ये बना के खिला, वो बना के खिला। बट हम 4 साल से हमारा खाना खुद का बना रहे हैं और खाना बनाने में 1 घंटा लगता है, फिर भी हम 5 लोग काम करते हैं। और घर पे क्या होता है कि मम्मी अकेली होती है काम करने के लिए और खाना बनाती है सबके लिए और खिलाती है। यहाँ पे ऐसा है कि हम 4 लोग खाना बनाने वाले हैं, फिर भी 1 घंटा लगता है। और बाद में 1 घंटे के बाद और किसी ने ऐसा बोल दिया कि मेरे को ये चीज़ पसंद नहीं है, तो गुस्सा आ जाता है। तो मम्मी माँ माँ है, माँ कभी गुस्सा नहीं करती। अगर आपको नहीं पसंद है तो वो वापस से बना के खिलाएगी, और खिलाएगी ज़रूर। इन शॉर्ट गाइज, मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि रिस्पेक्ट योर मॉम और अप्रिशिएट करो जो मॉम खाना बना के खिलाती है और आपके लिए कुछ भी करती है। बस अप्रिशिएट करो, गुस्सा मत करो, बस इतना ही बोलना चाहूँगा। बस तोलियोस माँ के लिए। कैसे बचपन में उंगली पकड़ के चलना सिखाया था उन्होंने, भागते भागते गिर जाता था तो उठना सिखाया था उन्होंने। घर में सबसे पहले उठ के हर काम करती हैं वो आज भी, सबकी डांट सुनकर भी खामोश रहती हैं वो आज भी। मेरे चेहरे पे शिकन भी आ जाए तो पहचान लेती हैं वो, मैं कितना डांट लूं सुना लूं फिर भी मुस्कुराती रहती है वो। थोड़ी अनपढ़ है, 2 रोटी मांगू तो 4 रख देती है, 50 रुपया मांगू तो 100 रख देती है, पर कोई नहीं, माँ तो माँ है। जब बिना मांगे मिल जाता था तो उनके खाने में नुक्स निकालते थे, नखरे करते थे। आज घर से दूर जब मांगने पर भी नहीं मिलता तो याद आती है उस नापसंद दाल की, बिना नमक की सब्जी की। कभी घर से निकल भी जाएं तो उनकी दुआएं कभी पीछा नहीं छोड़ती, हमेशा साथ रहती हैं। पापा की मार से कई बार बचाया है उन्होंने, खुद को कुछ हो जाए तो कोई गम नहीं, हमें कभी कुछ ना होने देती। दुनिया से लड़ झगड़ के सिर्फ उनकी गोद में सर रख लूं सारी टेंशन ही निकल जाती है मानो। उनकी इज्जत जितनी करो कम ही है, उन्हें प्यार जितना दो कम ही है। मैं ज्यादा जता पाता नहीं कि कितना प्यार करता हूं उन्हें, लेकिन करता बहुत हूं। आई लव यू माँ।